गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा सालवी। टुडे माई टॉपिक इज कॉलोनी ऑफ हनीबी। आज हम हनीबी की कॉलोनी के बारे में देखेंगे कि हनीबी की जो कॉलोनी होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने टाइप के कास्टर्स होती हैं या कितने टाइप के कीट प्रेजेंट होते हैं, आदि चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एपिकल्चर एंड इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ हनीबी देखा था। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एपिकल्चर क्या होता है। एपिकल्चर या बी कीपिंग क्या होता है? एपिकल्चर एंड बी कीपिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, यानी कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव मधुमक्खी पालन कहलाता है। देन हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट स्पीसीज ऑफ हनी बी कि हनी बी की महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी होती है। हमने देखी थी इम्पोर्टेंट स्पीसीज एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफोरा। ये आज हम देखेंगे कॉलोनी ऑफ हनीबी। हनीबी की जो कॉलोनी होती है उसमें कितने टाइप की स्पीसीज है, उनका फंक्शन क्या क्या है, आदि चीज़ें हम आज हनीबी की कॉलोनी में देखेंगे। जो हनीबी की जो कॉलोनी जो होती है उसमें लगभग 40,000 से 50,000 के नंबर्स में तीन प्रकार के कीट प्रेजेंट होते हैं। यह हम कह सकते हैं कि इस कॉलोनी हैज़ मोर देन 40,000 टू 50,000 इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ थ्री कास्टेस, यानी कि जो कॉलोनी जो होती है वो 40,000 से 50,000 की संख्या में तीन प्रकार के कीट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वीन, यानी कि रानी मक्खी। रानी मक्खी क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है, नंबर्स कितने होते हैं उसकी कॉलोनी में, ये हम देखेंगे। इट इज़ अबाउट 15 to 20 mm लॉन्ग एंड इट्स बॉडी इज अबाउट 3 times लार्जर एंड 3 times हैवियर देन ए वर्कर बी। ओनली वन क्वीन डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग। क्वीन आर द ओनली मेंबर ऑफ कॉलोनी एबल टू ले फर्टिलाइज एग। इज केपेबल फॉर प्रोडक्शन अप टू 2000 एग विद इन ए सिंगल डे एंड इट्स सोल फंक्शन इज रिप्रोडक्शन। यानी कि हम कहते हैं कि जो रानी मक्खी जो होती है उसकी साइज़ जो होती है वो होती है 15 to 20 mm लंबी, जो कि रानी जो श्रमिक मक्खी से लगभग 3 times बड़ी होती है और 3 times भारी होती है। एवं पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो कि फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है। अब फर्टिलाइज एग से है तो इसका मतलब इसमें 32 chromosomes प्रेजेंट होते हैं। उसका जो खाना जो होता है वो रॉयल जेली होता है, यानी कि रॉयल जेली खाती है। उसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। इसका जो सोल फंक्शन हम कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। एंड वो पर डे प्रतिदिन 2000 एग्स देती है, यानी इट ले 2000 एग्स एवरी डे। प्रत्येक दिन या एवरी डे वो 2000 एग्स देती है। वो ये लगभग 5 years तक जीवित रहती है, यानी कि लाइफ टाइम जो होता है, ये इसका जीवन काल जो होता है वो 5 years तक का होता है, लगभग 5 years तक जीवित रहती है। इस तरह से हम देखते हैं जो क्वीन हनी बी जो होता है उसका जो एब्डोमन वाला पार्ट, या हम कह सकते हैं जो क्रोप वाला पार्ट जो होता है, या इसके जो क्रोप वाला रीजन जो होता है वो लॉन्ग होता है, बट इसके जो लेग्स यानी पाँव और विंग्स जो होते हैं, लेग्स एंड विंग्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन क्रोप वाला रीजन जो होता है वो लॉन्ग होता है। एंड इसकी ओवरी जो होती है या अंडाशय जो होता है वो एग से भरा हुआ होता है, यानी कि जो इसका ओवरी जो होता है वो अंडों से भरी हुई होती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। और ये खाने के लिए जो होता है वो वर्कर हनीबी पर डिपेंड करती है, यानी कि जो वर्कर जो हनीबी जो होती है जो खाना लेके आती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ड्रोन, अबाउट 100 male बी आर प्रेजेंट इन 1 hive। इन द सलाइवरी एंड वैक्स सिक्रेशन ग्लैंड एंड स्टिंग्स आर एब्सेंट। द सोल ड्यूटी ऑफ फर्टिलाइज द क्वीन। ड्रोन आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, सो दे आर ओनली 16 chromosomes प्रेजेंट इन देम। ड्रोन और मेल हनी बी हैव ओनली 1 task
टू फर्टिलाइज न्यू क्वीन। ड्रोन यानी कि मेल हनी बी, नर मधुमक्खी। एक छत्ते में लगभग 100 नर मक्खियाँ होती हैं, 100 ड्रोन होते हैं। अतः इन ड्रोन में लार ग्रंथि, मोम ग्रंथि एंड डंक एब्सेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें सलाइवरी, वैक्स सीक्रेशन ग्लैंड एंड स्टिंग्स आर एब्सेंट। रानी मक्खी के सम्मान ही ये खाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर डिपेंड रहते हैं। और इनका जो सोल फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है, वो होता है रानी मक्खी का को फर्टिलाइज करना या रानी मक्खी का निषेचन करना। और ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। ड्रोन आर डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, सो देर आर ओनली 16 क्रोमोजोम प्रेजेंट। यानी जो ड्रोन जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं और उनमें ओनली 16 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो ड्रोन जो होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया से बनते हैं। तो हम देखते हैं ड्रोन एक छत्ते में सिर्फ लगभग 100 मेल या ड्रोन होते हैं। उनका जो मेन जो टास्क होता है, जो मेन फंक्शन जो होता है, वो क्वीन को फर्टिलाइज करना, रानी मधुमक्खी को फर्टिलाइज करने का होता है। और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो अनफर्टिलाइज एग से होता है, या हम कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस से मेल ड्रोन बनते हैं। नेक्स्ट वर्कर, दिस इज ए स्मॉलेस्ट बी। देयर विंग्स एंड माउथ पार्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर माउथ पार्ट एंड लेग्स आर मॉडिफाइड टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड कलेक्ट द पोलन ग्रेन। पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट एट बेस सेकंड एंड फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। पोलन बास्केट इज प्रेजेंट ऑन हाइंड लेग्स फॉर कलेक्शन ऑफ पोलन। वर्कर बी आर स्टरलाइज फीमेल, दिस डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग। दिस एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर बी इज अप्रोक्सीमेट 6 वीक। यानी हम जो वर्कर की बात करते हैं तो एक छत्ते में अगर देखते हैं, एक हाइव में अगर देखते हैं, तो मधुमक्खी के छत्तों में इसके कई हज़ार नंबर्स में होती है। हमने रानी की बात की, रानी ओनली सिंगल होती है, एक होती है। ड्रोन हमने देखा लगभग 100 होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हनीबी के मेंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्या में मेंबर्स हैं, वो वर्कर होंगे। यानी कई हज़ार, एक मधुमक्खी के छत्ते में कई हज़ार वर्कर होती है। ये सबसे छोटी होती है। इसके विंग्स और माउथ पार्ट जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके माउथ पार्ट जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं फ्लावर सक करने के लिए, नेक्टर ऑफ फ्लावर जो होते हैं, यानी कि जो सकिंग के लिए, यानी फूलों का रस चूसने के लिए इनके माउथ पार्ट का काम जो होता है वो होता है फूलों का रस चूसते हैं, जिसके कारण इसके माउथ पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके जो लेग्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पराग कणों को एकत्रित करने का काम होता है। उसकी जो पिछली टांगे जो हैं या हैंड विंग्स जो हैं, या हम कह सकते हैं हैंड लेग की बात करते हैं, तो उसमें एक पोलन बास्केट होती है। इसमें एक पोलन पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जो होती है सेकंड टू फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो हम देखते हैं कि इसके जो माउथ पार्ट लेग्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होती है। माउथ पार्ट जो होते हैं वो फूलों का रस चूसने के लिए होते हैं, और जो इसके लेग्स जो होती है वो पोलन को कलेक्ट करने के में काम आती है। और इसमें पोलन पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होती है सेकंड टू फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। जो वर्कर हनी भी जो होती है वो स्टरलाइज फीमेल होती है, यानी कि वो फर्टिलाइज एग नहीं दे सकती, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वो बंदी मादा फीमेल होती है, यानी कि स्टरलाइज फीमेल होती है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइज एग से होता है। इसका जीवन जो होता है वो काफ़ी बिजी होता है, ये बहुत काम करती है, जिसके कारण इसका जो लाइफ टाइम जो होता है या इसका जीवन काल जो होता है वो 6 या 8 वीक का होता है,
सिक्स या एट वीक का इसका लाइफ टाइम होता है, यानी कि इसका जीवन काल जो होता है वो 6 से 8 सप्ताह का होता है। तो इस तरह से आज हमने हनीबी की कॉलोनी के बारे में देखा कि हनीबी की कॉलोनी में 3 टाइप के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्वीन होती है, ड्रोन होता है एंड वर्कर होती है। क्वीन जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है, इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसका जो मेन फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन का होता है। और पर डे जो होते हैं वो 2000 अंडे देती है। उसका जीवन काल जो होता है लगभग 5 साल का होता है। ड्रोन देखा, ड्रोन लगभग 100 एक कॉलोनी में लगभग 100 ड्रोन होते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो क्वीन को फर्टिलाइज करना। एंड जो ड्रोन जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वह 16 होते हैं। वर्कर हमने देखा कि वर्कर जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा बिजी होती है, इस कारण उसकी जो जीवन काल जो होता है वो 6 से 8 वीक का रहता है। और ये स्टरलाइट फीमेल होती है, लेकिन ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है। इस डायग्राम में हम वर्कर हनीबी की बात कर सकते हैं कि इसमें किस तरह से पोलन कलेक्शन के लिए बास्केट प्रेजेंट होती है। इसके माउथ पार्ट हम देख सकते हैं, इसमें स्टिंग्स पाया जाता है, एक्सेट्रा चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हनीबी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हनीबी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो हैप्लोइड एंड डिप्लोइड मैकेनिज्म टाइप का प्रेजेंट होता है। ये हनीबी शो हैप्लोइड डिप्लोइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोइड डिप्लोइड इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन विच मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग एंड दे आर हैप्लोइड एंड फीमेल डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज एग एंड आर डिप्लोइड। दिस मोड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज डिस्कवर इन 1845। हम देखते हैं कि हनीबी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप का प्रेजेंट होता है, हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप का होता है। इसमें जो मेल जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, जिसके कारण उनको उनमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं। या जो हम कह सकते हैं कि फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है, और इस तरह की जो फीमेल जो होती है वो डिप्लोइड होती है। तो हनीबी में हैप्लोइड एंड डिप्लोइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। मेल जो होता है वो हैप्लोइड होते हैं और फीमेल जो होती है वो डिप्लोइड होती है। हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि किस तरह से हैप्लोइड मेल भी बनी हुई है, किस तरह से हैप्लोइड तो मेल भी है एंड डिप्लोइड जो होता है फीमेल भी है। इन हनीबी सेक्स इज नॉर्मली डिटरमाइंड बाय द फर्टिलाइजेशन और नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग रेदर देन द प्रेजेंट ऑफ एब्सेंट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इन हनीबी द मेल प्रोगेमी नॉर्मली डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग विच आर हैप्लोइड एंड हैव जस्ट 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द फर्टिलाइज हनीबी विच आर डिप्लोइड एंड हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंशिएशन इनटू क्वीन एंड वर्कर बी। हम ये देखते हैं कि जो हनीबी जो होती है इसमें जो मेल जो होता है वो हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड का मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। एंड फीमेल जो होती है वो डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हनीबी में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। हम इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो हनीबी जो होती है उनमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो 32 होते हैं। क्वीन हनीबी जो होती है वो एग्स देती है। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हनीबी का जो काम, जो क्वीन का जो काम होता है वो अंडों का प्रोडक्शन करना या एग्स का प्रोडक्शन करना होता है। मियोसिस डिवीजन हुआ, गैमेट्स बने, 16 क्रोमोसोम जो एग जो होंगे उसमें 16 क्रोमोसोम होंगे। अगर एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ नॉट फर्टिलाइज हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं तो वो मेल बनेगा, मेल का मतलब ड्रोन बनेगा, यानी पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया हुई है जिसमें ड्रोन बनता है। देन जो ड्रोन से जो स्पर्म बनेंगे तो वो माइटोसिस की क्रिया के होगी, यानी कि हम कहते हैं कि जो एग्स में अगर एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या हम कह सकते हैं पार्थोजेनेसिस की क्रिया हो रही है तो इसमें ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। ड्रोन का मतलब मेल हनीबी। और मेल जो ड्रोन मेल हनीबी या ड्रोन जो होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोसिस की क्रिया से होगा। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायकोट जो बनता है उसमें 32 क्रोमोसोम होंगे, लार्वा बनेगा,
अब लार्वा को उनको न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर। अगर लार्वे को हमने रॉयल जेली खिलाई तो वो क्वीन बनेगी। अगर लार्वे को हमने रॉयल जेली के साथ साथ हनी बी भी खिलाया है तो वो वर्कर बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं क्वीन और वर्कर दोनों ही फर्टिलाइजेशन से हुई है, इनका डेवलपमेंट जो होता है फर्टिलाइज एग से हुआ है। जो अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा बना है वो इसको हमने क्या पोषण दिया, क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्वीन बनेगी या वर्कर। अगर लार्वे को हमने रॉयल जेली दी तो वो क्वीन बनेगी। अगर रॉयल जेली के साथ हमने हनी भी दिया है तो वो वर्कर बनेगी। जो क्वीन जो होती है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा और उसे एक्स बनेंगे। लेकिन जो वर्कर जो होती है वो स्टरलाइज होती है, वो कोई एक्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से मेल ड्रोन है, क्वीन है एंड वर्कर है। मेल ड्रोन जो है उसे जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोसिस से हो रहा है, जबकि क्वीन से जो एग्स बन रहे हैं वो मियोसिस डिवीजन से बन रहे हैं। और वर्कर जो होती है वो स्टरलाइज होती है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई अंडे प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस तरह से हमने आज हनीबी की कॉलोनी में कितने टाइप के मेंबर होते हैं, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है कि हनीबी की कॉलोनी में 3 टाइप्स के मेंबर होते हैं। और हनीबी की कॉलोनी में हाईली लेवल का लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, यानी कि श्रम का विभाजन पाया जाता है कि किस तरह से रानी का काम क्या है, क्वीन का काम क्या है, वर्कर का काम क्या है, ड्रोन का काम क्या है। इस तरह से हमने आज टॉपिक में डिटेल स्टडी की किस तरह से इनका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जो ड्रोन जो होता है उनमें वो हैप्लोइड होते हैं, और जो मेल जो फीमेल जो होती है यानी कि वर्कर एंड क्वीन जो होती है वो डिप्लोइड होती है, लेकिन जो वर्कर जो होती है वो स्टरलाइज होती है एंड जो क्वीन जो होती है वो फर्टिलाइज कर सकती है यानी एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरह से आज हमने टॉपिक में डिटेल स्टडी की हनीबी की कॉलोनी एंड उसके सेक्स डिटर्मिनेशन पे। थैंक यू।